पुष्प दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बालिका उच्च विद्यालय शिशु संस्थान में महिला अभिभावकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला अभिभावक उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 8 मार्च 1908 को हुई थी ताकि महिलाओं को अधिकार दिलाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अभिभावक को बालिका उच्च विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही सम्मान समारोह का उत्तरदायित्व महिला अभिभावकों को ही प्रदान की गई, जिसको लेकर महिलाएं काफी प्रसन्न नजर आईं और अपने अधिकार के प्रति सजग होने की बात कही। महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बहुत सारी परंपराएं जो थी वो समाज में प्रचलित थी, लेकिन आज धीरे धीरे ये सारी परंपराएं जो है वो खत्म होती जा रही है। आज का युग विद्यालय में बालिका उच्च विद्यालय में बहुत खुशी है। बहुत खुशी है कि हम लोग को सम्मान मिला। क्या कहेंगे आप? पुराने जमाने को देखते हुए आज बहुत ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है महिलाओं को। जैसे पहले तो बालिकाओं को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में पहले की अपेक्षा आज हर लड़की स्कूल जाती है और हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे मिलाकर महिलाएं चल रही हैं। हर क्षेत्र आप मानती हैं कि काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। पुराने ज़माने से लेकर अगर बात करें तो आज पहले से काफ़ी स्थिति बेहतर है और हमें उम्मीद है कि आगे भी स्थिति बेहतर है। थैंक यू। आज आप सम्मानित हुई हैं? आज तो हमें बहुत खुशी हो रही है। महिला दिवस पर हम लोग को पहले से बहुत इज्जत मिल रहा है। बालिकाओं को पढ़ते देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। पहले तो सारी छोटी बच्चियों को अपना नाम ही नहीं लिखने आ रहा है, लेकिन आज के डेट में तो हम बहुत खुश रहते हैं करके कि बच्ची लोग मेरी आगे बढ़ रही है और ये स्कूल तो बहुत ही अच्छा है जो हमारी बच्चियों को आगे बढ़ा रहा है। आप बताइए, बोलिए, कितना महिला के अधिकार हुआ? महिला अपनी अधिकार के जो लड़ी, वो लड़ाई में कितना सफल हुई?